नमो वयम वैष्णवनाय कुर्महे समे कामानि कामि कामेश्वरम यम कामेश्वर वैष्णवो ददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यमाधिपत्यं समर्थ गुरु पर्यंताय जी सर, मेरा नाम इमरान अली है। इसकी बात करें, मूवी क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये जो मूवी है एक बहुत ही साइको थ्रिलर टाइप की मूवी है और एक बहुत ही अच्छा रोल मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। जी सर, ये मेरी मूवी है और ये एक हिंदी फीचर फिल्म है और मैं एक बहुत ही अच्छा रोल इसमें प्ले कर रहा हूँ। जी, मेरे साथ तो मेरी पूरी टीम है। विकास जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर संदीप पटेल जी हैं। इससे पहले बॉलीवुड में कितना आप काम कर चुके हैं? आपका परिचय, प्रोफाइल क्या है? जी सर, मैं इससे पहले बॉलीवुड में तकरीबन 9 साल से हूँ मैं और काफ़ी सारे सीरियल्स वगैरह मैंने किए हैं और अभी मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, रॉकी रॉडी, उसमें भी मेरा अच्छा रोल है। फिल्म एक लाइन में बात करें, किस तरह की स्टोरी है? सर, स्टोरी तो एक मैंने बंद लफ्जों में बोल दिया आप लोगों की, एक थ्रिलर मूवी है, बट बाकी जो भी इस चीज के स्टोरी के बारे में जानना है वो उसके लिए तो थिएटर तक जाना ही पड़ेगा। जी, हम इसमें नोन और अननोन सबको हम चांस दे रहे हैं इस मूवी में। कौन-कौन? जी, नॉन में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी कुछ बातें चल रही हैं उनसे हमारी। कहाँ शूट होगा इस फिल्म में? जी, हम अपनी मूवी का शूट कर रहे हैं वापी और दम। सर, ये फिल्म मई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह देखने को सबको मिल जाएगा। सर, यही तो सस्पेंस है हमारी फिल्म का। हमारा टाइटल ही हमारी फिल्म का जान है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। A2 क्या है? A2 एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी लोग एक ही नाम से आपने सुना होगा कि एक नाम को लोग दो बार यूज़ करते हैं, मेरा ये पैट नेम है, मेरा ऊपर, तो इस तरह का ये A2 एक ऐसा ही नाम है। ये किसी के जीवन के ऊपर आधारित है या कुछ बोल दो ना? ये तो एक काल्पनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसका किसी के जीवन से, पर्सनल लाइफ से कोई वो नहीं है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। सर, हमारी मीटिंग हुई प्रोड्यूसर साहब से, जो संदीप जी पटेल हैं, तो इनसे मीटिंग हुई तो इन्होंने बोला कि सर हमारी मूवी डायरेक्ट कीजिए, तो काफ़ी बात होने के बाद में डिस्कस हुआ तो मैंने उनको हाँ की। एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर बात करें, एक लाइन में किस तरह की मूवी है और क्या स्टोरी है? हमारी मूवी का नाम A2 है
और इसकी स्टोरी लाइन ये है कि एक लड़का है जो बहुत साइको है और एक लड़की से उसको प्यार होता है और हाँ नॉन भी है और फ्रेशर भी है। हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे फ्रेशर को अच्छा चांस मिले। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं चाहूँगा कि जब आप थिएटर में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। साइको थ्रिलर मूवी है। A2 की बात करें, डायरेक्टर हैं फिल्म के, क्या है A2? टाइटल कैसे ध्यान में आया A2 रखना चाहिए? देखिए आजकल बहुत सी फिल्म मार्क भी A2 के आगे। हाँ देखो बहुत सी फिल्मों में ऐसे होता है कि कैरेक्टर के हिसाब से नाम दिया जाता है, तो हमने भी उसी हिसाब से सोचा है और हमारी फिल्म का जो टाइटल है वही एक सस्पेंस है। अगर ये आपको जानना है A2 क्यों नाम दिया गया इसका, तो आपको इसके लिए थिएटर तक जाना होगा। जब आप मूवी देखोगे तो फिर समझ में आओगे A2 क्यों दिया गया इसका नाम। जी अभी मेरी रनिंग में चल रही है मूवी और उसका नाम है बेचैन, जिसको मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर हूँ और जिसमें बहुत कुछ है स्टोरी, वो राजस्थान बेस पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी एज ए डायरेक्टर। मुझे इसकी स्टोरी लाइनअप बहुत ही अच्छी लगी कि एक साइको लड़का है जो लड़की किसी से भी प्यार से बात कर लेती है उसी का वो मर्डर कर देता है। उसके पीछे जो सस्पेंस है क्यों मर्डर करता है वो सब आपको थिएटर में जाने के बाद में मिलेगा। संदीप पटेल। हम मैंने लोकेशन वापी और दमन रखा है। इस तरह की फिल्मों की क्या मार्केट है? आपको लगता है कि हमारी फिल्म मार्केट में धमाल मचाएगी क्योंकि सारे सलमान दिखते हैं? नहीं हमने इतिहास देखा है तो जैसे हमने देखा होगा डर देखा होगा रमन राघवन अभी जो साइको किस तरफ से एक तरफ का हमने एक प्रेम दिखाया है एक लड़की तो लड़की को देख के क्या आपने देख के मतलब पिक्चर में पैसे लगाने के हाँ कर दिया? मतलब क्या इसमें क्या लगा आपको? स्टोरी में दम है दिखाई में मतलब डायरेक्ट किसको मतलब क्या चॉइस की है मतलब किसको लेके बनाना पिक्चर स्टार कास्ट न्यू के साथ या फ्रेशर के साथ? अभी एक दो नॉन फेस है दूसरा न्यू का से। तो शूट कहाँ पे करने वाले? क्या वापी और दमन। हेलो सर, मैं शकील खान राइटर हूँ और विकास जी ने राइटिंग में सहयोग दे रहे हैं। और जैसे कई बार क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि भाई A2 क्या है या इसको क्यों लिया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि A2 एक क्राइम बेस्ड स्टोरी है और ये क्राइम आज इतना बढ़ चुका है हमारे इंडिया के अंदर कि बहुत बड़ी समस्या हो गया। आप डेली पेपर देखिए, न्यूज़पेपर देखो, चाहे टीवी देखिए, क्राइम 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 हर तरफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। आई थिंक क्राइम बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, खुद आतंकवाद से बड़ी समस्या मुझे क्राइम लग रही है। तो इसी क्राइम पे एक स्टोरी लिखने के लिए मैं प्रेरित हुआ, जो मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं मेरा सहयोग दे रहे हैं। तो सर ये क्राइम बेस्ड स्टोरी है और इसमें बस A2 क्या है, A2 एक सस्पेंस है। तो आप क्या मतलब आने वाले टाइम में इसे प्रेरित जो मतलब पब्लिक को प्रेरित करे और आपको लगे कि मतलब पिक्चर भी बन जाए कुछ मैसेज भी मिले सर, तो इस तरह की स्टोरी लिखना चाहेंगे? और हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली क्राइम जो हम दिखा रहे हैं और दिखाने का मकसद है क्राइम कितना ही कर लो उसका अंत एंड में बहुत ही दुखदायी होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर विकास पांडे। सर सॉरी विकास पांडे। विकास आज फिल्म से आप राइटिंग में जुड़े हैं? हाँ सर। क्या है क्राइम में स्टोरी, बात करें क्या राइटिंग? सर स्टोरी है कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है कि हम इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक बंदा लव करने के चक्कर में क्या क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा सर ने मुझे एक वन लाइन सुनाया, इसके बाद हम लोग को समझ में आया स्टोरी अच्छी लग रही है, वो सस्पेंस है, उसमें कॉमेडी भी है और हमारे मूवी में पब्लिक जाएगी तो इंटरटेनमेंट से फूल मिलेगा पूरा। ये हम लोग ऐसे करके दे रहे हैं इसमें। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। राहुल कुमार बोल रहा हूँ। मैं इस पिक्चर में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा हूँ अपना,
और एज अ मेरा रोल बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर बेसिकली का रहेगा, एज अ लीड रोल बेसिकली. अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने O2 सुना है, S2 सुना है, ये सब सुना है. तो ये कोई केमिकल एलिमेंट नहीं है सल्फर की तरह या ऑक्सीजन की तरह, जो कि A2 है बेसिकली. ये एक सस्पेंस है जो आपको मूवी थिएटर में जाके आपको पता चलेगा. जैसे कि अगर आपने कुछ पिक्चरें देखी होंगी पहले, तो हमेशा होता है जैसे कि एक साइकोपैथ लड़का है, सिर्फ कोई भी मतलब लड़की के हाँ भी ना भी कुछ भी बोलने पर उसको काफी अट्रैक्शन हो जाती है. इस पिक्चर के थ्रू हम ये दिखाना चाहेंगे कि बस लड़कियों की थोड़ी सी देर से अच्छी से बात करने की और या अच्छी तरीके से बोलने पे किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए इसके बारे में कि वो लड़की उनसे ये करती है वो करनी जाती है. और ए टू एक ऐसा छाप है, एक ऐसा ट्रेडमार्क है जो कि एंड तक लोगों को सोच में डालेगा बेसिकली कि इसमें जो है ए टू है कौन असली में. तो ये एक मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रेडमार्क तेरा होगा जो कि छाप होगी जो एंड तक थ्रिल करेगी और एंड तक पब्लिक को ये सोचने में मजबूर करेगी कि आखिर A2 चीज थी क्या. थैंक यू वेरी मच. आपका नाम? मेरा नाम मोहित त्यागी है. और बात करें आज इस फिल्म में आप पहुंचे हैं मुहूर्त पे, क्या कहना, आप कैसे जुड़े इस मूवी से? सर जुड़ने का ये मेरा बहुत चाहता है इमरान, और इसने SMS किया था कि भाई मेरी फिल्म का मुहूर्त है, संदीप जी है प्रोड्यूसर साहब, और वैसे बेसिकली मेरा स्पेशल इफेक्ट्स गन्स वगैरह का बिजनेस है फिल्म लाइन में. और एक मेरी फिल्म भी आने वाली है भी रॉकी रावड़ी, जिसमें ये इसने भी कैरेक्टर किया है अच्छा एक्शन का. फुल आपका एक खुद का प्रोजेक्ट है, निजी प्रोजेक्ट है, कितना मुश्किल है एक काम करने वाला अपना प्रोजेक्ट बनाता है जब सर सब कुछ दांव पे लगाता है, मेहनत जो है पूरे दिन 24 घंटे की जो मेहनत है जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मेहनत तो पूरी टीम की होती है, अगर टीम नहीं तो कुछ नहीं है. एक टीम वर्क होता है जो सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. और उसी सपोर्टिंग के लिए मैं आज इमरान के और संदीप जी के इस मुहूर्त में आया हूँ टाइम निकाल के. बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इनको. त्यागी का कितना बड़ा योगदान है फाइटिंग में बॉलीवुड में, अगर बात करें सर अकेली कास्ट है त्यागी जो सर पिछले 45 ईयर्स से जो है त्यागी कास्ट जो भी है त्यागी कास्ट का फुल बोलबाला रहा है इंडस्ट्री के अंदर. जितने भी गन्स और ब्लास्टिंग का वर्क होता है सब त्यागी लोग अधिकांश करते हैं. 45 ईयर्स से ये चल रहा है सिलसिला, पूरी फिल्म लाइन में जो है त्यागियों का बोलबाला है और ये बरकरार रहेगा आगे भी. और बस यही शुभकामनाएं हैं भाई के लिए कि खूब अच्छे से ये तरक्की करे और ये इसकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो. और सबसे निवेदन है कि सब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करें और थिएटर तक जाएं देखने के लिए. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम अमित चंद है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. और मेरे हाथ से जो है ना सुभाष गई, इंद्र कुमार, अनिल शर्मा, गुलशन कुमार, सबकी फिल्में मैंने चलाई हैं. पहली फिल्म चलाई मैंने हीरो, राम लखन, कर्मा, सौदागर, हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, बेटा, दिल, लैला मजनू, ज्वार भाटा, 85 फिल्में मैंने रिलीज़ करी हैं फिल्में. तो क्या आपको क्या लगता है कि फिल्म बिजनेस करेगी? नहीं, मैं जो फिल्म देखता हूँ और फिल्म देखने के बाद मैं ये देखता हूँ ये किस थिएटर में फिल्म चलेगी. फिल्म जो है ना फिल्म तो बनती है, लेकिन फिल्म रिलीज करने वाले ये नहीं जानते कि किस थिएटर पे चलेगी किस थिएटर पे नहीं चलेगी. और ये पिक्चर फ्लॉप हो जाती है अगर गलत थिएटर पे लग जाती है. इसके पोस्टर और नाम को देख के लगता है हॉलीवुड की मूवी है. हाँ, ये सस्पेंस है, एक बार आदमी सोचेगा A2 क्या है तो पब्लिक जाएगी, जो बी क्लास सी क्लास की जो पब्लिक है वो 100% इस फिल्म में जाएगी. ये A2 इट्स अ थ्रिलर मूवी एंड इसमें ऑब्वियसली 3-4 कपल्स तो लीड होते ही हैं. तो अभी आप थिएटर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसका क्या कैरेक्टर है. सॉरी, अब ये तो आपको थिएटर पे पता चलेगा. अब कितने एक्साइटमेंट है आप एक्साइटमेंट है आज फिल्म को लेकर कि सिलेक्शन हो जाए? हाँ, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत एक्साइटमेंट है, वो आपको पता चलेगा. नई लड़की लड़कियों को काम दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है, कि आपको लगता है कि नए जो है काफी अच्छा काम करते हैं उसके बारे में? हाँ, ऑफ कोर्स नया टैलेंट बहुत आ रहा है तो अच्छा काम करते हैं, आपको खोजना पड़ेगा. थैंक यू. देखिए, मेरा नाम है ऐसे सही, DOP एंड डायरेक्टर, और डायरेक्शन भी करता हूँ मैं, और राइटर भी हूँ और DOP भी हूँ. आई एम वर्किंग लास्ट 52 ईयर इन दिस लाइन एज ए डायरेक्टर एंड DOP, एंड आई टेक द दादाभाई फाल्के अवार्ड ऑल्सो, क्योंकि मुझे इसलिए आना पड़ा कि इमरान जो है वो मेरे बच्चे की तरह है और ये एक पिक्चर स्टार्ट कर रहा है जिसके लिए मैं अपने दिलो जान से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कामयाबी मिले. और ये जो है ये अपने सफीना खान, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग 3 मूवी एज ए लीडिंग
बताओ जी, मैं मेन लीड कर रही हूँ और इमरान खान ने मुझे सिलेक्ट किया है और मैं सईद दादा की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, क्या कैरेक्टर है आप? स्टोरी स्टोरी के बारे में एक्चुअली इसे कुछ ज्यादा हमने बताया ही नहीं स्टोरी के बारे में। एक्चुअली स्टोरी अंडर कंसीडर है, स्टोरी पे काम चल रहा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। इमरान का उसमें डबल रोल है और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। और भी अनदर और भी आर्टिस्ट हैं इसमें जो भी सिलेक्ट होंगे, इसमें जो दो हीरोइन हैं, दो हीरो हैं, साथ में विलन भी है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश यही करूँगा कि भगवान इसको कामयाबी दे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे है ना, मैं अभी लावारिस में भी काम कर रही हूँ और मोहब्बत की मंजिल उसमें सेकंड, और ये अब मुझे तीसरी फिल्म मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है और मैं जो यहाँ पर आज हूँ ना, वो सईद दादा की वजह से हूँ मैं यहाँ पर। मैंने थिएटर भी किए हैं और मैं दिल्ली सूर्य प्रोडक्शन में थिएटर करती थी और वहीं से मैंने कोर्स वगैरह किया। बस अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ।